उत्तर प्रदेश में एक महंत के विवादित और भड़काऊ बातों का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें वो महंत एक खास समुदाय की महिलाओं के खिलाफ गैर अलखाकी और आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। इस वीडियो में वो दूसरे समुदाय की बहु बेटियों से रेप की भी धमकी दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि महंत का ये वीडियो 2 अप्रैल का है। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने फिलहाल महंत के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। पुलिस ने ACP नॉर्थ राजीव दीक्षित को इसकी जांच सौंपी है। सीतापुर पुलिस ने ट्वीट करके कहा है कि जांच की जा रही है, हासिल तथ्यों और सबूतों की बुनियाद पर नियम के मुताबिक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें कि ये विवादित बयान दरअसल नवरात्रि के मौके पर दिया गया। महर्षि श्री लक्ष्मण दास उदासीन आश्रम के महंत बजरंग मुनिदास ने नवरात्रि और हिंदू नववर्ष के मौके पर सीतापुर में आयोजित शोभा यात्रा के दौरान ये विवादित और भड़काऊ भाषण दिया था। गौरतलब है कि बजरंग मुनिदास इससे पहले भी चर्चा में रहे हैं। वीडियो वायरल होने से पहले बजरंग मुनिदास संगत की जमीन पर गैर कानूनी कब्जे को लेकर भी चर्चे में आए थे। साथ ही उनके यहाँ स्थानीय नेताओं का भी हुजूम हाजिरी लगाता है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले में नोटिस जारी किया है। इस सिलसिले में आयोग ने UP DGP को नोटिस भेजा है। आयोग ने UP DGP से 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। मैं बहुत प्यार से तुमको समझा दे रहा हूँ, अगर इस घर में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुले राम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहु बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगी। ₹28 लाख इकट्ठा है और सुगर बाड़े के लोग भी सुन लो, ना सुगर बाड़ा रहेगा